हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुसी सारे ठीक होवोगे। मेरा नाम समीर ते मैं साइप्रस दी इनफॉरमेशन एंड अपने लाइफस्टाइल बारे ब्लॉग पाउना। तो अज मैं तुहाडे सामने लैके आया नवी वीडियो। अगर किसी नूं कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं इंस्टा मैसेज कर सकता, मैं आई डी उपर मैनशन कर दूंगा। सो अज आप गल करांगे कि साइप्रस जिहड़ी महंगाई आ उह हौली हौली वध रही आ। महंगाई इसलिए वध रही आ, क्यों वध रही आ मैं तुहानूं दसदा आ। तां नवें स्टूडेंट बहुत जोरां शोरां आ रहे हैं। हर दिन कोई नवा बंदा देखने को मिलता स्केर ते, हर दिन कोई एक नवे स्टूडेंट नाल मुलाकात होंदी है। सो इसलिए जिहड़े इत्थों दीआं बसां ने उन्होंने अपना रेट हाई कर दिता आ। हाँ सही सुनिया तुसीं, इत्थों दे जिहड़ी बसां ने उन्होंने अपना किराया वधा दिता गया आ। जिदा कि पहला मैं नवा आया सी उदों किराया 2 यूरो सीगा, बट हुण इन्होंने 2 यूरो तो किराया करके अपने 2 यूरो 40 सेंट कर दिता आ। एंड जिहड़े बस कार्ड सीगे उह वी महंगे कर दित्ते ने। जिदा स्टूडेंट दा बस कार्ड आ वो पहला साढ़े वन 20 यूरो का बनता सी, मैं इतों नवा आके 20 यूरो का कार्ड बनाया। एंड हुण उन्होंने 20 यूरो का करके 25 यूरो का कर दिता है। एंड जिहड़े वर्कते ने उन्हां दा कार्ड का रिचार्ज हो गया है 45 यूरो का। सो हुण इस करके महंगाई भी बहुत ज़्यादा साइप्रस कर दिती है, थोड़ा समान का रेट भी हाई कर दिता है। वो इदा कर दिते कि साइप्रस जिहड़े नवे स्टूडेंट आ रहे हैं, जिदा नवे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो इस करके इतों की जिहड़ी इकोनमी है वह भी ज़्यादा हाई करना चाहते हैं। हाँ जिहड़े मतलब कि इदा कि जिहड़े नियर रहिंदे, जिदा उन्हां दा काम भी लागे आ, जां निकोशिया सेंटर 'च रहिंदे आ जिथे उन्होंने काम भी ईजी चल जाते, तुर के चल जाते, उन्होंने ईजी आ, उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया काफ़ी, क्योंकि उन्होंने बस इन्ना ट्रैवल नहीं करना पैंदा। औखा साढ़े वर्गियों लिए जिहड़े पिंड 'च रहिंदे आ उन्होंने मतलब रीचार्ज करवाने पैना कार्ड, एंड फिर जाके थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है। इदा मतलब कि कार्ड रीचार्ज करा के फिर जाना शहर, फिर वापस आना, इदा महीने का 25 यूरो उधर चल जाते आ। सो मतलब कि अद्धी दिहाड़ी उधर साड़ी चल जाती है, इदा थोड़ा औख जी आ रही है। हुण यह भी कहना चाहूँगा कि जे तुसी रहना तो शहर च रहो, शहर बैटर आ, तुहाडे 25 यूरो बच जाएंगे। सो इदा तुसी अपने थोड़े पैसे भी बचा सकते हो, आही करना चाहते हैं। एंड जिहड़े इत्थे इदा भी कि हुण इत्थों जे गवर्नमेंट ने ऑपरेशन चलाया सी पिछले हफ्ते, जिहड़े भी कोई भी लीगल जां रिफ्यूजी बंदा सी उन्होंने चक के वह इंडिया भेज रहे थे, इंडिया जां होर भी किसी कंट्री का लीगल रह रहा है, तो इतों ऑपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई सी। अगर कोई विदाउट पेपर तो सी तो उत्ते पूरी कार्रवाई होंगी सी, उन्होंने चक के अपने देश भेजे जा रहा है। तो इदा बहुत सारे बंदे डिपोर्ट किए ने इतों, क्योंकि इतने जिहड़े सी इदा कि पापूलेशन बहुत बढ़ रही थी, इन्हां दे सोर्स जिहड़े घट रहे सी। इतों की गवर्नमेंट ने सोचा कि इतों की थोड़ी जी एक्सपेंसिव भी थोड़े हाइक कर दिए जाए, जिदा कि बस का किराया वधाता जा, समान का थोड़ा रेट चकता। एंड इतों के जिहड़े दूजे बंदे सी रिफ्यूजी सी जां होर इलीगल बंदे रहे सी विदाउट पेपरां तो 5-10 साल हो गए सी, उन्होंने इंडिया जां होर किसी देश वापस भेजा गया। एंड हुण भी स्ट्रिक्टनेस बहुत कर दी गई है, पुलिस थां थां ते हुंदी आ। ये अगले महीने शायद ऑपरेशन चलूगा, एंड अगले महीने जिहड़ा ऑपरेशन फेड डाउन कर दिता जाऊगा। अगर आप गल करिए वैदर की, तो इतने वैदर भी मतलब ठंडा हो रहा है, ठंडा मौसम आ रहा है, गर्मियां घट रही ने। तो अगर तुम आ रहे हो तो अपने ठंडा का समान थोड़ा ज़्यादा लेके आयो, क्योंकि वैदर चेंज हो गया है इतने। तो थोड़ा बसों सुन के थोड़ी औख जी हुई है, क्योंकि पहला कितने आप 20 यूरो का कार्ड रिचार्ज हो जाता सी, हुण 25 का कर दिता, 5 यूरो ना बहुत फर्क पै जाता, कितने आप 20 यूरो पूरा शहर घूम लेंगे पर हुण 25 कर दिता है। हाँ अगर मैं लगता कि जे हिसाब ना प्रडिक्शन लाई जाए तो अगे जाके इन्होंने होर थोड़ा समान महंगा कर देना, क्योंकि जिहड़े बंदे इत्थे साइप्रस नूं हुण ज़्यादा आ रहे हैं, लगभग ज़्यादातर बंदे साइप्रस नूं आ रहे हैं, क्योंकि इत्थों थोड़ा जिहड़े पैसे भी बन जाते, काफ़ी पैसे बन जाते हैं। एंड मैं लगता कि साइप्रस कनेडा जां कनेडा नूं टक्कर पाऊगा इस बार, जां इंग्लैंड नूं टक्कर पा सकदा। तुसीं कमेंट करके दस सकते हो कि पाऊगा जां नहीं पाऊगा तुहाडे सिर ते आ। जिन्हां नूं आइलस नहीं क्लीयर हो रही जां कुछ नहीं क्लीयर हो रही आ, तां इक होर भी इनफॉर्मेशन, जिहड़े अपने वीर भैण भरा कोई भी साइप्रस आ के सीधे पैसे इंडिया वापस पा दिंदे ने, तां इदां ना करिया करो। जिहड़े तां 2000 यूरो हुंदे उह ना पाया करो, क्योंकि तुहानूं मुश्किल बाद च बहुत आउंदी है, जिद्दां कि नवां ही बच्चा आ के सीधा ही
ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਈ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਸੋ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾ ਦੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ 1000 ਯੂਰੋ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1500 ਪਾ ਸਕਦੇ 500 ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਯੂਰੋ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ।